जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी माध्यम NCERT बुक के अध्याय 3 सरल रेखा में गति यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत हम आपको बता दें कि पिछले जो वीडियो बने थे उसमें हम लोग ग्राफी विधि से और कलन विधि से गति के समीकरणों का सत्यापन हम लोगों ने देखा था और गति का जो प्रथम समीकरण हमने देखा था, गति का प्रथम समीकरण भी u + at था और इसके बाद गति का जो द्वितीय समीकरण था, गति के द्वितीय समीकरण को आपने देखा था, द्वितीय समीकरण s = ut + ½at² और फिर तृतीय समीकरण आपने देखा था v² = u² + 2as। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये तीनों फार्मूले यूज्ड तब होते हैं जब कोई वाहन क्षैतिज रेखा में गतिशील होता है और क्षैतिज रेखा में गतिशील ही नहीं, उसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा हो, तो जब वेग लगातार बढ़ता जाएगा ना तभी इन तीनों फार्मूलों का यूज होगा। और इसके साथ साथ चौथा जो फार्मूला हमने आपको बताया था टीवी सेकंड में चली गई दूरी का, और वो फार्मूला था s = u + ½a 2t - 1। तो याद रखे रहिएगा, ये चारों समीकरण यूज तब होंगे जब कोई गतिशील वस्तु क्षैतिज रेखा में गति कर रहा हो, वो भी वाहन का वेग लगातार बढ़ता जा रहा हो। अब जानते हैं जब वेग लगातार बढ़ता जाता है तो त्वरण धनात्मक होता है, लेकिन अगर वेग लगातार घटता जाए तो त्वरण ऋणात्मक होगा, और जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो जहाँ a है a के जगह पे हम -a कर दिया करते हैं, तो फिर समीकरण क्या मिलेगा? फिर पहला समीकरण आपको मिलेगा v = u - at और दूसरा समीकरण मिलेगा आपको s = ut - ½at² और फिर तृतीय समीकरण आपको मिलेगा v² = u² - 2as और फिर चौथा समीकरण आपको मिलेगा s = u - ½a 2t - 1। याद रखे रहिएगा, इन चारों सूत्रों का प्रयोग हम तब करेंगे जब गतिशील वस्तु का वेग लगातार घटता जा रहा हो। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी गतिशील वस्तु क्षैतिज रेखा में गति करता है तो उसके ऊपर साधारण त्वरण काम करता है, लेकिन अगर पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर के तरफ या ऊर्ध्वाधर नीचे के तरफ गति कर रहा होता है उस समय साधारण त्वरण नहीं बल्कि गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। और एक बात जरा ध्यान से समझ लीजिए, गतिशील वस्तु जब ऊपर से नीचे आ रहा है, मान लीजिए किसी पिंड को ऊपर से गिरा दिया गया है और ऊपर से गिराने के बाद वह पिंड नीचे आ रहा है, तो जानते हैं क्या होता है? जैसे जैसे कोई पिंड नीचे आता है ना, उसका वेग बढ़ता जाता है और जब वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक होगा यानी गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक होगा। तो याद रखे रहिएगा कि जब कोई गतिशील वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है
तो उसके ऊपर साधारण त्वरण नहीं, गुरुत्वी त्वरण काम करता है। और गुरुत्वी त्वरण स्मॉल जी होता है, लेकिन पिंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो गुरुत्वी त्वरण धनात्मक होता है। और फिर फार्मूला क्या मिल जाता है, फिर फर्स्ट फार्मूला आपको मिल जाता है भी इजिकल टू यू प्लस जी टी। एक ही जगह पे जी हो जाता है, गुरुत्वी त्वरण काम करने लगता है। अब इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन होता है वो, अब यहाँ पर यस, अगर कोई गतिशील वस्तु क्षैतिज दिशा में दूरी तय कर रही हो तो उसको दूरी कहते हैं, लेकिन अगर कोई गतिशील वस्तु नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रही हो तो उसको हम ऊंचाई कहते हैं, और ऊंचाई को यच से प्रदर्शित करते हैं। तो यस के जगह पे यच हो जाएगा, यच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर तीसरा जो समीकरण मिलेगा वो होगा आपका भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। और अगर हम चौथे समीकरण को देख लें तो चौथा समीकरण एडिशनल समीकरण है, अतिरिक्त समीकरण है। तो अब अगर चौथे समीकरण को देखेंगे तो ये हो जाएगा एच टी एच, और ये हो जाएगा यू प्लस हाफ जी, और टू टी माइनस वन हो जाएगा, टू टी माइनस वन। तो याद रखे रहिएगा, ये चारों समीकरण का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई गतिशील वस्तु नीचे के तरफ आ रहा हो। अब मान लीजिए गतिशील वस्तु ऊपर के तरफ जा रहा हो, तो जब गतिशील वस्तु ऊपर के तरफ जाएगा ना, तो जैसे जैसे याद रखे रहिएगा कि जब किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसका वेग घटता जाता है, और अंत में जा करके उसका वेग शून्य हो जाता है। उच्चतम बिंदु पर जाने के बाद वो क्षण भर के लिए रुकता है और इसके बाद रिटर्न होता है। जब रिटर्न होता है तो वापस लौटते समय उसका वेग बढ़ता जाता है, और जिस बिंदु से ऊपर के तरफ फेंका गया था और जिस वेग से फेंका गया था, जब रिटर्न होके आता है ना, तो उस बिंदु से उसी वेग से वो क्रॉस करता है। तो अब देखें, अगर पिंड ऊपर जा रहा हो तो ऊपर जाते समय वेग घटता जाता है, और जब वेग घटता जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होगा तो अब जो समीकरण मिलेगा वो भी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा। सेकंड समीकरण जो मिलेगा वो यच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड समीकरण जो होगा भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच हो जाएगा। और फोर्थ समीकरण जो मिलेगा आपको ये हो जाएगा u माइनस हाफ जी, और ये हो जाएगा 2t माइनस वन। तो इसको याद रखे रहिएगा, इन समीकरणों का हम यूज तब करेंगे जब पिंड ऊपर के तरफ गति करेगा। अब एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि देखें, जब कोई भी वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है ना, तो जब विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग शून्य होता है, और जब कोई गतिशील वस्तु चल करके रुकती है तो उसका अंतिम वेग शून्य होता है। और यही नहीं, ये भी आप याद रखे रहिएगा कि जब कोई पिंड उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है ना, तो उच्चतम बिंदु पर भी उसका वेग शून्य होता है। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। अब इसके बाद एक छोटा सा बिंदु आता है, और ये है अवरोधन दूरी। अवरोधन दूरी इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस।
ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है अब इसके बारे में भी हम लोग समझ लें। तो अगर कोई गतिशील वस्तु चल रहा है और आप ब्रेक मार दिए हैं, तो ब्रेक मारने के बाद रुकने से पहले गतिशील वस्तु जितने दूरी तय करता है उस दूरी को ही अवरोधन दूरी कहते हैं। भाई किसी भी वाहन में आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी तुरंत नहीं ना रुक जाएगी। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कुछ दूरी तय करने के बाद ही रुकेगी। तो जितनी दूरी तय करती है रुकने से पहले, यानी ब्रेक लगाने के बाद रुकने से पहले गाड़ी या वाहन जितनी दूरी तय करता है उसे ही हम स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी अवरोधन दूरी कहते हैं। और अवरोधन दूरी को हम डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। यस का मतलब स्टॉपिंग और डी का मतलब डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब अगर इसकी वैल्यू हमको निकालना हो तो हम गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जब ब्रेक लगा दिया जाएगा तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कुछ दूरी चलने के बाद रुक जाएगी, तो जब रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग जीरो हो जाएगा। प्रारंभिक वेग तो यू था, और याद रखे रहिए जब आप ब्रेक लगा देंगे ना तो गाड़ी का वेग घटने लगेगा। जब वेग घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक हो जाता है, तो त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। ये हो गया 2a और यस दूरी होती है, तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी, और स्टॉपिंग डिस्टेंस को डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको इधर ला दें तो ये हो जाएगा 2a डीएस इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यहाँ से डीएस की वैल्यू निकालेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। तो इस फार्मूले की सहायता से किसी वाहन के अवरोधन दूरी की गणना हम कर सकते हैं। और इसके बाद एक और छोटा सा टर्म आता है, आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। तो आपेक्षिक वेग क्या होता है? अगर दो वाहन गति कर रहे हो ना, तो एक वाहन की तुलना में दूसरे वाहन का जो वेग होता है उसे ही हम आपेक्षिक वेग कहते हैं। ये भी टर्म आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, आपेक्षिक वेग, जिसको हम कहा करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है इसको आप ध्यान से समझ लें। तो आपेक्षिक वेग के बारे में हमने अभी बताया कि अगर दो वाहन गतिशील हों तो पहले वाहन की तुलना में दूसरे वाहन का जो वेग होता है वही आपेक्षिक वेग कहलाता है। अगर आपसे कहा जाए कि पहले वाहन की तुलना में दूसरे वाहन का आपेक्षिक वेग ज्ञात कीजिए, तो इस स्थिति में दूसरे वाहन के वेग में से पहले वाहन के वेग को घटा देंगे तो आपेक्षिक वेग निकल जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं पहले वाहन की तुलना में, पहले वाहन की तुलना में दूसरे वाहन का आपेक्षिक वेग, दूसरे वाहन का आपेक्षिक वेग ये बराबर होता है दूसरे का वेग ऋण पहले का वेग। दूसरे का वेग ऋण होता है पहले का वेग,
तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि अगर आपसे पहले वाहन के सापेक्ष दूसरे वाहन का आपेक्षिक वेग पूछा जाएगा तो दूसरे वाहन के वेग में से पहले वाहन के वेग को घटा देंगे तो हमें आपेक्षिक वेग निकल जाएगा। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें और टेक्निकल चीज़ें बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।